हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें है 362। इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। तो इसमें देखिए, टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी है 362, जिसमें देखिए यूआर की 139, ओबीसी की 91, एससी की 50, एसटी की 25, ईडब्ल्यूएस की 33, यानी कि टोटल वैकेंसी 338। और इसमें देखिए, ट्रेड्समैन मेट फॉर एनएटी डॉलीगन, इसमें देखिए यूआर की 12 हैं, ओबीसी की 6 हैं, एससी की 3 हैं, एसटी की 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं। टोटल वैकेंसी हैं 24, यानी कि दोनों मिला के वैकेंसी रहने वाली इसमें 362। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो देखिए, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी जाएगी। फॉर्म जो है, आप लोग 26 अगस्त से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो है 25 सितंबर। तो इंडियन नेवी ट्रेडिशनल मेट्स 2023 का आयोजन 362 पदों के लिए किया जा रहा है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 151 पद, ओबीसी के लिए 97 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 पद, अनुसूचित जाति के लोग 26 पद और अनुसूचित जनजाति के 26 पद रखे गए हैं। इसमें देख सकते हैं कि अनारक्षित के जो हैं 151 पद, ओबीसी के 97 पद, ईडब्ल्यूएस 35 पद, एससी के 26 पद और एसटी के 26 पद हैं। पैटर्न की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न की, इसमें नेवी ट्रेड्समैन की परीक्षा में कुछ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। नेवी ट्रेड्समैन की परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें देखिए, इस प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेपर आप लोगों का होगा। नेवी ट्रेड्समैन परीक्षा के लिए जो है 2 घंटे यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाएगा। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। नेवी ट्रेड्समैन की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपको अटेम्प्ट करने होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए उम्मीदवारों को 1 अंक दिया जाएगा। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट भर्ती 2023 में सभी अभ्यर्थी हेतु आवेदन निःशुल्क रखा गया है, यानी कि इसमें कोई भी फीस नहीं है। तो जो भी बच्चा चाहे वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, यानी इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। और इस फॉर्म को आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के माध्यम से भर सकते हैं। देखिए, जनरल ओबीसी कोई भी फीस नहीं है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यू कोई भी फीस नहीं है, मोड ऑफ पेमेंट जो है कुछ भी नहीं है। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं पास होना ज़रूरी है। इसके साथ ही किसी भी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से संबंधित ट्रेड में आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि 10th पास प्लस ITI अगर आप किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन भर्ती 2023 में सबसे पहले आवेदन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों की आवेदन की स्क्रीनिंग होगी, फिर रिटर्न एग्जाम होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, उसका चिकित्सा परीक्षण, फिर मेरिट सूची के आधार पर आप लोगों का चयन हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो उसमें देखिए, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन होंगे। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ और देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और क्वांटिटी एबिलिटी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल जो क्वेश्चंस हैं जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 नंबर के, यानी कि एक जो प्रश्न होगा आपका वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दिया है कि आपको किस किस चीज़ की तैयारी करनी है। पहला पार्ट आपका आ जाता है रीजनिंग वाला, फिर उसके बाद जनरल इंग्लिश का, नंबर एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,